हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चलाना सीखेंगे बैकहो लोडर, जिसे अक्सर लोग भी जेसीबी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जेसीबी के नाम से प्रचलित है। लेकिन ये बैकहो का ही काम करता है। ये पीछा से बैकहो का काम करता है और आगा से ये लोडिंग का काम करता है। इस बैकेट से लोडिंग का काम करता है, इसलिए इसका रियल नेम जो है बैकहो लोडर है, जेसीबी ब्रांड नेम है। आगा का लोडिंग बैकेट दो भाग में खुलता है। ये देखिए, यहाँ से दो भाग में खुलता है। बीच से माल को गिरा सकते हैं, बैकेट के बीच से। ये जो है बीच सेंटर जो दिख रहा है, यहाँ से खुल जाएगा और कोई भी माल जो है अंदर बैकेट में उसको बीच से ही गिरा सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है कैट का है 422E। ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, कटर कैट का है ये। थोड़ा सा पहले दिखा देते हैं बाहर से, उसके बाद फिर चलेंगे ऑपरेटिंग करने के लिए। ये देखिए कैट लिखा हुआ है। जब भी बैंक में काम करना हो तो ये जैक को लगा लेते हैं। ये जैक को लगाते हैं, जो इससे अगर काम करना हो तो, इसे अगर काम करना हो तो दोनों साइड में दिया हुआ जैक, एक उधर और एक इधर जैक दिया हुआ है। टायर पर लोड नहीं हो इसलिए आगा का भी जो लोडर का पैकेट है उसे भी डाउन करते हैं। आते हैं मशीन के अंदर, यहाँ चाबी लगता है, यहाँ पर चाबी लगाएंगे, ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कुछ फंक्शन पहले दिखा देते हैं। ये जो है एक्सेलेरेटर है और बीच वाला जो है स्टेयरिंग को एडजस्ट करने के लिए है। इसको दबा करके आप स्टेयरिंग को आगे पीछे कर सकते हैं, जितना बचा है उतना पे सेट कर सकते हैं इसको दबा करके। और ये ब्रेक है इधर, ये ब्रेक में लॉक लगा हुआ है। इसको हटा देंगे तो एक तरफ का ब्रेक जो है लगेगा, एक तरफ पे। ज़्यादा कटिंग करने के लिए एक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट या राइट। जिधर ज़्यादा कटिंग करना है उधर ब्रेक लगाएंगे तो एक चक्का जाम हो जाएगा उधर का, जिधर नहीं लगेगा ब्रेक उधर का फ्री रहेगा। और इसका लॉक लगा देंगे तो दोनों चक्के का ब्रेक एक साथ में लगेगा। कुछ और लीवर के बारे में बताते हैं, फिर ऑपरेटिंग करेंगे। यह जो रिवर्स फॉरवर्ड के लिए है, पीछा करेंगे रिवर्स जाएगा, आगा करेंगे फॉरवर्ड जाएगा। गियर लगाने के बाद पहले गियर लगेगा, गियर दिखाते हैं। यह जो है गियर है और इसी में एक काला बटन दिया हुआ है। ये देखिए, ये क्लच का काम करता है। ये वाला बटन जो है, ये वाला ये क्लच का काम करता है। इसको दबा करके ही गियर लगाएंगे, इसको दबाएंगे, उसके बाद जो गियर लगाना है आप वो गियर लगा सकते हैं। इसको दबा करके वो क्लच का काम करता है। कुछ फंक्शन और लीवर के बारे में बता दिए, चलिए अब ऑपरेटिंग के बारे में समझते हैं। ये जो है ऑपरेटिंग लीवर है, ये आगा का बैकेट लोडर बैकेट का है। ये आगा करेंगे तो आपका बैकेट जो है डाउन होगा, ये इस तरह देखिए डाउन हो रहा है। और इसके बीच में रखेंगे न्यूट्रल रहेगा। पीछा करेंगे तो ये आपका बैकेट जो है अप होगा, ये पीछा करेंगे बैकेट देखिए अप हो रहा है, इस तरह बैकेट अप होगा। इधर लेफ्ट की तरफ करेंगे तो बैकेट आपका बंद होगा और राइट की तरफ करेंगे तो बैकेट आपका खुलेगा। बैकेट को बीच से जो खोलने का बताए थे, इस लीवर से काम होता है। पीछा करेंगे बंद होगा, आगा करेंगे खुलेगा। और ये हैंड ब्रेक है, ट्रेवलिंग के टाइम में हैंड ब्रेक को छुराते हैं फिर ट्रेवलिंग करते हैं। आगे के फंक्शन के बारे में समझ गए और पीछे का लीवर जो है उसके बारे में समझते हैं। चलिए चलते हैं पीछे। सबसे पहले एक्सेलेरेटर को फिक्स करेंगे। ये एक्सेलेरेटर का है, जितना बचा है उतना फिक्स कर सकते हैं। और ये जैक का है, ये दोनों को एक साथ दबाएंगे तो जैक जो है बाहर निकलेगा। दोनों को एक साथ खींचेंगे तो दोनों तरफ का जैक जो है अंदर जाएगा। ये जैक का जो है दोनों साइड में नीचे जो है काम करने से पहले दोनों जैक को लगाना ज़रूरी है, ताकि टायर पर लोड नहीं पड़े। एक एक करके दोनों को एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा कम हो निकला तो उसे मिला करके उसे सेटिंग कर लेंगे। और ये लॉक का है, ये दोनों वर्किंग लीवर है। एक लीवर में चार चार फंक्शन है। आगा करिएगा तो बूम जो है आपका अप होगा, ये अपने तरफ खींचिएगा तो बूम अप होगा। ये देखिए रोक रोक के खींच रहे हैं तो ये झटका दे रहा है, रोक रोक के खींचिएगा तो झटका देगा। एक साथ में एकदम मिला करके आराम से डाउन कीजिए या स्विंग करना। ये देखिए आगा करेंगे तो ये डाउन होगा, पीछे खींचेंगे अपने तरफ तो ये बूम जो है अप होगा। ये आगा खींचने से, ये देखिए अपने तरफ खींचेंगे तो बूम जो है इस तरह मिला के खींचना होगा तो आप तो झटका नहीं देगा। और इस तरह ये राइट की तरफ करेंगे लीवर को तो राइट की तरफ ये मूव होगा, और लेफ्ट की तरफ करेंगे तो इसी को लीवर को तो ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा। ये मूव कर ले, ये चार फंक्शन है, एक लीवर में चार फंक्शन है। जैसे भी कंपनी का मशीन जो है उसका कोना कोनी लीवर काम करता है, पर इसका कोना कोनी लीवर काम नहीं करता है। इसका सीधा काम करता है, सेंटर में दबाइए आगा और पीछे लेफ्ट और राइट तो ऐसे काम कर। देखिए आगा दबा रहे हैं तो स्टिक जो आपका खुलेगा, और इसी को पीछा खींचेंगे, इसमें भी चार फंक्शन है, पीछा खींचेंगे तो स्टिक आपका बंद होगा। और इसमें एडवांस फीचर एक दिया हुआ है, ये देखिए राइट की तरफ करेंगे तो स्टिक आपका बड़ा होगा और लेफ्ट की तरफ करेंगे तो इसी लीवर को तो स्टिक आपका जो है बंद होगा। यानी कि स्टिक को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा दूरी से माल खींचना है तो स्टिक को बढ़ा करके स्टिक को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और बैकेट का लीवर जो है वो उसका फंक्शन जो है पैर में दिया हुआ है, ये दिखाते हैं। इसका फंक्शन ये देखिए पैर में, ये पैर को में जो आगा दबाएंगे तो ये बैकेट का, ये देखिए पैर का में दिया हुआ है एक लीवर, ये देखिए यहाँ पर। पीछा दबाएंगे तो ये बैकेट आपका बंद होगा, ये देखिए इस तरह बैकेट ये बंद हो रहा है। तो इसमें एक एडवांस फीचर ये दिया हुआ है, और आगा दबाएंगे इसको तो ये बैकेट आपका खुलेगा।
जेसीबी कंपनी का भी मैं बैकहोल लोडर का वीडियो अपलोड करूंगा इस पे, तो उसमें मैं समझा दूंगा उसका फंक्शन, उसमें दिखाएंगे उसका फंक्शन जो है कोना कोनी कैसे काम करता है और इसका फंक्शन कैसे, थोड़ा सा एडवांस फीचर है उसका और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यही बैकेट, इसमें इसका जो है पैर में दिया हुआ है और उसमें इसका थोड़ा स्टिक बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा करने का थोड़ा सिस्टम दिया हुआ है, तो ये एक एडवांस फीचर इसमें दिया हुआ है। और आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।